बुद्ध ने तो श्वास को ही समस्त योग का आधार माना और विपस्सना एकमात्र ध्यान की विधि थी कि अपनी श्वास के साक्षी हो जाओ बस काफी। सिर्फ श्वास भीतर आई बाहर गई इसको देखते रहो, कुछ मत करो। जब सुविधा हो तब श्वास का भीतर आना और बाहर जाना देखते रहो। श्वास सहजतम प्रक्रिया है और ध्यान रखना प्राणायाम के लिए नहीं कह रहा हूं कि गहरी श्वास लो कि एक नाक बंद करके और एक नाक से श्वास लो फिर इतनी समय तक श्वास को भीतर रोको फिर इतने समय तक बाहर रोको, वो तो असहज हो गए, वह तो कृत्रिम हो गए। नहीं, श्वास जैसी चल रही अपने आप प्राकृतिक, बस उसको देखते रहो, श्वास को सुनते रहे देखते रहे, भीतर आना बाहर जाना भीतर आना बाहर जाना, तुम चकित हो जाओ। तुम मंदिर के द्वार पर ही बैठे थे, कहीं जाना न था, काबा तुम्हारे भीतर था, काशी तुम्हारे भीतर थी, गिरनार तुम्हारे भीतर थी, तुम कहां भागे फिरते थे।